हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 बजने वाला है और मैं अभी नहा कर अपने बाग की तरफ जा रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बाग में जो है आम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। और आम ख़त्म होने के बाद बाग देखिए कैसा लगता है, मैं दिखाऊँगा आपको। पीछे देखिए केले की खेती की गई है। और चलिए चलता हूँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अपनी बाग की तरफ। आप देख सकते हो कि ये जितने भी बाग हैं पूरे मतलब सुनसान हो गया है। देखो कितने बड़े बड़े बाग हैं मेरे यहाँ, मतलब कि अब आम ख़त्म हो चुके हैं तो पूरा सन्नाटा हो चुका है। वो थोड़े जो कीड़े बोला करते हैं उनकी भी आवाज़ आ रही है, तरह तरह के बोल रहे हैं। आप देख सकते हो इधर मतलब कोई नज़र नहीं आएगा। आम ख़त्म होने के बाद तो बागों में कोई नज़र ही नहीं आता। तो यहाँ पे ये वाला पेड़ देखो जामुन का लगा हुआ है, बहुत सारे जामुन गिरते हैं। ये देखिए यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखो कितने सारे जामुन गिर जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए भाई किस तरीके से पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने इसमें का एक भी जामुन नहीं खाया है। और आगे हम चलते हैं, और आगे हम चल रहे हैं भाई साहब। देखिए पूरा मतलब सन्नाटा हो चुका, बाग देखो कैसे हो चुके हैं। आम टूटने के बाद मेरा ही नहीं सभी के बागों का यही हाल हो जाता है। जब बारिश हो जाती है तो हरी हरी घास हो जाती है। तो आ गया हूँ भाई अपने बाग की तरफ। मेरी खटिया पड़ी हुई है और खटिया मैं शायद आज ही उठा ले जाऊँगा घर, क्योंकि अब यहाँ रहना नहीं है। अब रहेंगे कब, लगभग 8 महीने बाद रहना चालू करेंगे जब अगले साल। ये देखिए, लेकिन अभी भी यार आम लगा हुआ है यहाँ पे। ओ नो, मैं झूला तो भूल ही गया लाने के लिए। और देख सकते हो ये देखिए आम लगा हुआ है यहाँ पे, आम लगा हुआ है भाई साहब। एक ही आम लगा हुआ है क्योंकि पूरे तो ख़त्म हो गए थे, एक लगा हुआ है। अब मैं चढ़ा आया हूँ पेड़ पे। मेरे बाग का ये लास्ट आम होगा जो मैं अपने हाथ से तोड़ रहा हूँ। ये भाई ये देखो, अरे ये क्या भाई, गिल्ली खा गई इसको भी। तो गिलहरी भाई आम बहुत खाती हैं। देखो कितना बढ़िया आम जो है गिलहरियों ने इसमें टोंट मार दी। टोंट तो होती नहीं तो मुंह मार दिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ रख देता हूँ। और अब दिखाता हूँ भाई अपना बाग। देखो भाई बिल्कुल सन्नाटा, कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा। अब बारिश हुई है तो ये हरियाली फिर से आ जाएगी मेरे बाग में, पूरा हरा हरा हो जाएगा बाग। वैसे पूरी घास कट गई थी यहाँ पे, देखो ऐसा कुछ नज़ारा है। एक भी आम आपको नहीं दिख रहा होगा। और अब हम यहाँ पे रुकेंगे भी नहीं बाग में। ये देख सकते हो भाई आम मतलब अभी जो है इसमें बाग में आम, अगर आप ढूंढने आओगे सुबह शाम तो आम मिलेंगे। जैसे ये आम है इस तरीके से, देखो ये खा गए बिल्ली वगैरह। अब नीचे का हम लोग नहीं उठाते हैं, खाया हुआ नहीं कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं किस कीड़े ने खाया हो इसको। सांप भी रहते हैं, सांपों ने शायद खाया हो। हाँ आम लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस पेड़ में लगे हुए हैं राम केला का आम लगा हुआ है, क्योंकि ये सावन में पकता है, लास्ट सावन में। तो इसमें जो है लगे हुए 2-4 किलो लगे हुए, ज़्यादा नहीं। अब रामकेला का साइज़ आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। रामकेला का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है भाई, काफ़ी वज़न भी हो चुका है इसमें। ये देखो भाई काफ़ी वज़न भी हो जाता है ये रामकेला। एक इधर लगा हुआ पीस, एक इधर पीस लगा हुआ है, बाकी और ऊपर लगे होंगे तो होंगे, दिखते तो हैं नहीं। बाकी रामकेला में एक बीमारी हो जाती है कि इस तरीके से सड़ सड़ के गिरते हैं इस तरीके से। बाकी आपको पूरा बाग, ये शायद मेरे बाग का लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं यहाँ का एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखिए भाई पूरा सन्नाटा हो चुका, कुछ भी आम नहीं बचा हुआ है। तो ये हो जाता है भाई हाल ऐसा।
तो दोस्तों अभी मैं अपने बाग में घूम ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है आम अभी यहाँ पे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आम नहीं मिलेंगे। जो पत्तों में छूट जाते हैं वो पक पक कर गिरेंगे। अगर मैं सुबह शाम आऊँगा यहाँ पे बीनने के लिए तो मुझे आम ज़रूर खाने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। मतलब दो चार आम तो मिलना ही मिलना है। अब जैसे इस पेड़ के नीचे आया हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे देखो ये आम मिला, कितना बढ़िया आम था, इतना लाजवाब आम। क्या है कि मैं थोड़ा लेट हो गया आने के लिए और देखो भाई खा लिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, फेंक दूँगा। तो ऐसे बहुत सारे आम हम लोग फेंक देते हैं सिर्फ, क्योंकि नीचे का हम लोग नहीं खाते हैं। पता नहीं किस कीड़े ने खाया हो उसे, ज़रूरी नहीं कौवे ही खाएं, गिलहरी ही खाएं, क्योंकि एक दिन मैंने सांप को खाते हुए भी देखा था, तो इस वजह से जहर भी हो सकता है इसमें। और मैं यही कहूँगा आप भी ना खाएं, अगर आपको कोई दे या बिक रहे हों कहीं तो मत खाना, ले ही मत जाना। पास में रेलवे ट्रैक है हमारे, तो जब गाड़ी रुकती है तो जितने भी यात्री हैं अगर आम लगे हुए हैं तो वो पक्का उतर के आ जाते हैं भाई आम तोड़ने के लिए। देखो वो देखो ट्रेन जा रही है, उधर दिख ही नहीं रहा है आप लोगों को। यहाँ पर कुछ कौवे हैं, देखते हैं क्या कौवों ने किया है, शायद आम खाया होगा। हाँ आम ही खाया है भाई। ये कौवे हैं ना, ये देखो ये गिरी है आम, इसको खा गए ये लोग। तो अब कुछ नहीं बचा है भाई बाग में। बाग में होना क्या है कि अभी बरसात हो जाएगी, होने लगेगी, अब हो गई ही है। अब घास इसमें बड़ी हो जाएगी तो मैं इसमें दवा छिड़काव कर दूंगा, घास सारी मर जाएगी। उसके बाद क्या है कि दवा ववा जब पड़ना होगा, जैसे मकड़ी लग जाएगी जाला वगैरह, तो इसका छिड़काव होगा बाकी अगले साल। अब इसमें जो है खाद भी डालना पड़ेगा, यूरिया DAP मिला के 1 किलो लगभग हर पेड़ में देना पड़ेगा हमें अगले साल, ताकि आम आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा मैंने अपना पूरा बाग दिखा दिया, पूरे आम टूट चुके हैं, तो कुछ नहीं बचा हुआ यहाँ पे, देखा सुनसान पूरा हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं यहाँ दिन भर मतलब 3 महीने तो टोटल यहाँ पर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा लगता था। अभी मैं आज आ गया हूँ, लास्ट दिन रुकूँगा यहाँ पर और फिर इसके बाद नहीं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।